नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हमारे पास आमंत्रित है एक कवित्री, लेखिका, संपादिका, अध्यापिका और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी सेवा में कार्यरत एक ऐसी महिला जिनका नाम बहुत जाना पहचाना है। आप है डॉक्टर अहिल्या मिश्र। नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैंने बताया आपके इतने रूप हैं, तो शुरुआत आपने इस क्षेत्र में कैसे किया? आपकी पहली रचना? मेरी पहली कहानी जो स्त्री के मनोविज्ञान से जुड़ी है, एक स्त्री जिसे एक युवक देखने आता है और पसंद आ जाता है, बाद में वह युवक उसे ठुकरा कर चला जाता है और यह स्त्री अपनी आप को विकसित करती है, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बढ़िया ऑफिसर बन जाती है, वह युवक शादी ब्याह करके जीवन का एक चक्र पूरा कर लेता है, दूसरे चक्र में जहाँ उसे सब कुछ छूट जाता है, हट जाता है, वहाँ उस स्त्री से वह पुनः मिलता है और उसे विवाह का प्रस्ताव करता है। तो इस तरह से यह स्त्री जो उसी वक्त को सपने का राजकुमार बना रखी थी, उसके सामने जो प्रौढ़ बैठा हुआ है उसे कहीं नहीं मिलता है, अतः वह स्त्री उसे अस्वीकृत कर देती है। यह पहली कहानी थी। क्या बताना चाहा आपने इस माध्यम से कि एक महिला तो वहीं रुकी है और उसने पुरुष को उसी स्तर पे माना है, लेकिन मैंने यह बताना चाहा कि हर स्त्री का भी अपना एक मन होता है, वह किसी वक्त या किसी विषय या किसी घटना का गुलाम नहीं होता, मन बहुत विस्तारित होता है और अपनी पसंद होती है। लेकिन आज जो आपका रूप है वो एक कवित्री का रूप है, जाना माना, जो बहुत जाना माना रूप है, तो कहानी से फिर आप कविता के क्षेत्र में कैसे आ गए? कविता मेरे मन में अपने आप उपजी और पहली कविता मैंने अपने कॉलेज मैगजीन के लिए लिखी। धीरे धीरे कहानी से ज्यादा कविता लेखन की क्या उम्र रही होगी? 18-19 वर्ष की उम्र रही होगी उस समय। निरंतर उसके बाद से कविता लेखन का कार्य शुरुआत आपने 18 साल की उम्र से की, कहानी भी उसी समय लिखी थी पहले? कहानी 13 वर्ष की उम्र 13 वर्ष की उम्र से साहित्य के क्षेत्र में है। तो एक चीज हम देखते हैं, चाहे कहानी होती है या कविता या हम सीधे से साहित्य की बात करते हैं, तो दो तरह से लिखा जाता है। एक तो लेखक या कवि जो खुद जो लिखना चाहे, और दूसरी बात होती है कि समाज में हम जिस तरह का वातावरण देखते हैं तो लिखते हैं। तो इन दोनों में से आपका रास्ता कौन सा? पद्य के अलावे गद्य जितना भी लिखा है, सामाजिक, दैशिक, कालिक और वातावरणिक प्रभाव के अंतर्गत है, लेकिन कविता या गीत यह तो मन की उपज है। ये मेरे मन में जब उपजती है तभी मैं लिख पाती हूँ। किसी वातावरण से प्रभावित या कोई चीज़ अंदर कहीं उद्वेलित करती है तो शब्द फूट पड़ते हैं। जैसे एक उदाहरण, आजकल में ही किसी घटना बस मेरे अंदर ये दो पंक्तियां फूटी हैं। मैं किसी विक्षिप्त चक्षु का शिकार नहीं, मैं किसी विक्षिप्त चक्षु का शिकार नहीं, मुझ में स्नेह का कोई पारावार नहीं, मुझ में स्नेह का कोई पारावार नहीं। क्या बात है। इसके अलावा संपादन भी आपने किया? जी, संपादन। तो संपादन के लिए जब आप रचनाएं चुनते हैं, मंगाते हैं रचनाएं, और क्या आपने मापदंड बना रखे हैं उसके लिए? मैं, मेरे विचार से संपादित किए जाने वाले विषय जो हमारे रुचि के, जब हमारी पत्रिका के अनुकूल हों, उसमें संपादन तो ज़रूरी होता है, क्योंकि अधिकांश संपादन मेरा नए लोगों का के लेखन का ही रहा है। उनसे दो तीन रचनाएं हम मांगते हैं, दो तीन रचनाओं में जो विषय अधिक अनुकूल लगता है, जो अधिक परिष्कृत समझ में आता है,
उसे हम थोड़ा सा हमारे तरफ से उस पर ध्यान देकर उसमें सुधार कर उसे हम रचना के अंदर ले लेते हैं। एक मैंने संग्रह देखा था आपका पुष्पक, तो वहाँ एक बात ध्यान में आई कि कथाएं थी, कथा साहित्य था और ज्यादातर उसमें महिला कथाकार थे, और क्या कारण है कि क्या पुरुष नहीं लिखते हैं कहानियाँ? इसमें दो बातें कहना चाहूँगी मैं। एक तो पुरुष कहानियाँ लिखते हैं, लेकिन हमारे आंध्र प्रदेश में जो हिंदी रचनाकार हैं अधिकतर कवि हैं, कथाकार बहुत कम हैं। और जो एक आध कथाकार हैं मेरे विचार से पुष्पक में आप उन्हें देख सकती हैं। हाँ, एक आधी है उसमें। दूसरे ऐसा ही कुछ विचार आया था कि आंध्र में महिला कथाकार कितने हैं, और जब मैं टटोलने लगी तो मुझे 18 महिला कथाकार ऐसी मिली जो अलग अलग कहानियाँ लिखती हैं और हिंदी में लेखन करती हैं। तो इससे आप समझ सकती हैं कि महिला कथाकारों की संख्या यहाँ काफ़ी अधिक है। पुरुषों में शायद कविता उनके मन को अप्रोच करती हो या कोई और कारण हो, लेकिन कवि या कविता की प्रेरणा अधिक है। तो ये सारी जिम्मेदारी आपने कादंबरी क्लब के अंतर्गत उठाई है, तो यहाँ एक छोटी सी बात मैं ये जानना चाहती थी कि ये जिम्मेदारी, चूंकि आप एक लेखिका रही, एक कथाकार रही, प्राध्यापिका रही, और इन सब से परे घर परिवार की जिम्मेदारी है आप पर, तो इन सब के होते हुए भी आपने ये राष्ट्रीय स्तर पर जो साहित्य सेवा की जो जिम्मेदारी ली है, तो ये आपने खुद प्रस्ताव लगाया है ये काम करने के लिए, या आपको ये काम दिया गया? कुछ तो इच्छा होनी चाहिए। मेरे अंदर साहित्य सेवा की इच्छा शुरू से थी और कुछ करना चाहती थी। दूसरा यह है, एक जिम्मेदारी सौंपा भी गया। मैं उस व्यक्तित्व का नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस ओर तेजी से आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान किया। वे हैं श्री राजेंद्र अवस्थी, जाना पहचाना नाम है, तो बहुत बड़ा नाम है, जो AGI के महासचिव हैं, ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, और वर्षों से हैं, विगत 30 वर्षों से AGI नामक संस्था का संचालन कर रहे हैं, जिसके राजगोपाल आचारी, ए पद्मनाभन जैसे व्यक्तित्व, और अभी जो राज्यपाल हैं चतुर्वेदी जी, वो भी उसके चेयरपर्सन रहे हैं, देश के सभी प्रख्यात लेखक जिससे जुड़कर अपने आप को संस्था का सदस्य मानने में सौभाग्य अनुभव करते हैं, लोकसभा सदस्य भी हमारे सदस्य होते हैं, केंद्रीय सचिवालय के बहुत सारे लोग, अभी उपेंद्र जी हैं जो रक्षा विभाग के सचिव हैं, वो हमारे उपाध्यक्ष हैं। तो ऐसे हस्तियों के साथ काम करने का सुअवसर भी मिला, और इन लोगों से जुड़ी हुई संस्था ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का दायित्व अवस्थी जी ने मेरे कंधे पर डाला, और फिर मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकी। आंध्र प्रदेश को देखती हैं आप यहाँ पर? मैं हैदराबाद चैप्टर की संयोजिका हूँ, कन्वीनर हूँ। क्या क्या, किस तरह के आयोजन आप लोग करते हैं यहाँ? हम वर्ष में बहुभाषी कवि सम्मेलन या इसी तरह की कोई संगोष्ठी, विषयगत संगोष्ठी रखते हैं, जो हमारे आंध्र प्रदेश स्तर पर हम करते हैं। दिल्ली स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर कहें तो समूचे देश के लिए वर्ष में एक बार कन्वेंशन रखा जाता है, सभी सदस्यों के लिए विषय दिया जाता है, उस पर पत्र प्रस्तुत होते हैं, कवि गोष्ठी होती है, और प्रकाशन का कार्य भी उनका है। इंडियन ऑथर नामक पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका का संचालन होता है। इसके माध्यम से सारे सदस्यों की सूचनाएं, उनके पुस्तकों की, उनके लेखन की, उनके संपादन की सारी सूचनाएं उसमें एकत्रित की जाती हैं। इसके साथ ही हम पांडुलिपि संरक्षा और सुरक्षा दोनों कार्य इसके माध्यम से करते हैं। लेखकों और प्रकाशकों के बीच का जो एक मतभेद होता है उसको भी सुलझाने का कार्य यह संस्था करती है। आपके अपने कितने प्रकाशन हैं? मेरे कुल नौ पुस्तकें मेरी प्रकाशित हैं, जिसमें कविता भी है, कहानी भी है, निबंध भी है, समालोचना की पुस्तक भी है।
नाटक भी शायद मैंने देखा है, बाल बच्चों का ही है या और भी सामान्य नाटक भी है? सामान्य नाटक भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं सामान्य नाटक, जैसे भारतीय नारी तेरी जय हो, वह एक आधुनिक युवती का मन परिवर्तन पर निर्धारित विषय को लेकर है कि आज पोशाक स्त्री के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। सम्मानों की तो एक बहुत बड़ी सूची हमने देखी आपकी, राष्ट्रपति से सम्मानित हुए आप, राज्यपालों से सम्मानित हुए हैं आप, और भी कहीं, तो एक झलक आप बताएंगे? सम्मानों की सूची, यह तो सम्मान देने वालों की कृपा है मुझ पर या मेरे काम पर, जो मेरे हिंदी सेवा के लिए दक्षिण में रहते हुए हिंदी सेवा का कार्य जिस समर्पित भाव से मैं करती हूँ, यह उन संस्थाओं को बहुत पसंद आई जिन्होंने मुझे सम्मानित किया है। हरियाणा, हिसार, जिंद, घोकरिया, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, राजस्थान, जयपुर, दिल्ली, लगभग पूरा देश, सभी राज्यों से, कई राज्यों से आप सम्मानित हो चुकी है। तो अब जो आप इधर उधर बिखरी हुई योग्यता देख रहे हैं, तो उनको आप समेट के एक जगह लाने के लिए क्या प्रयास आपके हैं? मैंने पुष्पक के माध्यम से पहले तो अपने आंध्र प्रदेश में हिंदी लेखन से जुड़े हुए व्यक्तियों को आगे बढ़ाया, कई अंक इस पर हमने निकाले हैं, और अब जो अगला अंक हम निकालने जा रहे हैं उसमें हम देश भर के रचनाकार जो भी हमें रचना प्रेषित करेंगे उन्हें एकत्र कर और उन पर हम अधिक से अधिक अंक निकालेंगे, ताकि प्रकाशन की सुविधाएं उन्हें भी हम दे पाएं और देश भर को हम आंध्र प्रदेश से जोड़ पाएं। सबका जो जो योग्यता है, जो उनका काम है, वो बाहर उभर कर आए, यह भी एक धारणा है। उनके अंदर की जो रचना की ऊर्जा है उसे हम, कैसा वातावरण आप देखते हैं इस स्तर से आगे साहित्य में? साहित्य अगर समयानुकूल कहें तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि कल और आज में जो फर्क आया है, हर क्षेत्र में फर्क आया है, साहित्य में अगर वो नहीं चित्रित होता है तो शायद साहित्य समय सापेक्ष नहीं हो पाएगा। समय सापेक्ष साहित्य के लिए उसके अंतर चल रही सारी प्रक्रिया उसमें अगर उद्धृत हो जाता है, और इस उद्धृत करने की क्रिया में वर्तमान में जो भाषात्मक रूप है वो भी आनी चाहिए, तो इस तरह से हम तुलना नहीं कर सकते। आज का साहित्य है, कल का साहित्य कल का था, पर आगे का जो रहेगा वो अपने समय के अनुकूल रहेगा, ऐसी आशा हम रख सकते हैं। तो काफी जानकारी आपसे मिली और आपने इतना समय हमें दिया, तो दूरदर्शन की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।